हेलो एवरीवन। तो भाई अभी है हम दोनों शिमला में, हम दोनों नहीं है, दो हो रहे हैं। और शिमला में यार वैसे तो ना कल ही आ गए थे, लेकिन कल वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यार हमने सोचा था दो तीन जगह मिल जाएगी शिमला में, हम सारा फुल पैकेज बना देंगे, बट यार सिर्फ माल रोड था यहाँ पे, तो मजा नहीं आ रहा था माल रोड पे सिर्फ वीडियो बनाने का। तो हमने वो माल रोड यार क्या है, एक रोड है बस नॉर्मल, ठीक है, उस रोड पे क्या वीडियो बनाए। हमें वही था दो तीन जगह अगर मिल जाती अच्छी अच्छी तो दिखाते भी अच्छे तरीके से, तो इसलिए भाई नहीं बनाई मॉल रोड की। तो लेकिन भाई उससे अच्छी वीडियो आने वाली है, हमने डिसाइड आ गई। अरे हाँ, मतलब आ गई है, हमने डिसाइड किया हम जा रहे हैं कुफरी। कुफरी चलेंगे, शिमला से ऊपर है 17 किलोमीटर ऊपर, वहां पे पड़ी हुई है स्नो अभी। भाई पार्किंग में गाड़ी लगा रखी है, तो यहाँ से ऊपर निकालेंगे पहले गाड़ी को, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा आपको, तो ऊपर चलते हैं, फिर भाई रास्ता वास्ता दिखाते हैं और बातचीत करते हैं। तो चलते हैं कुफरी में, तो चलते हैं कुफरी में। तो यार कुफरी तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना कुफरी तो चलो जाके ही पता चलेगा कैसा है, लेकिन शिमला में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पसंद नहीं आई। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे पसंद नहीं आई ना, वो है पार्किंग की दिक्कत। अगर आपने काफ़ी हाई लेवल का होटल बुक किया है, ठीक है, तो उनमें तो रहती है उनकी प्राइवेट पार्किंग, और अगर जो आपका नॉर्मल रेट है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, इनमें ना मैक्सिमम होटल में पार्किंग नहीं है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो नीचे पार्किंग बना रखी होती है। फिर आप पैदल पैदल सामान उठा के जाओ ऊपर, जब कोई सामान चाहिए फिर नीचे आओ, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। बाकी तू बता भाई कार्तिक, तुझे क्या पसंद नहीं आया? मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं आई वहाँ पे कि जो हमने होटल बुक करा था, हमने वहाँ पे होटल वाले ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसअपॉइंट किया है, कहने है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने होटल बुक किया लेकिन लोकेशन पूरी वहाँ अप्रोक्सी नहीं दिखा रहा था। दिक्कत पता है क्या दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना जिन होटल्स की ना मतलब लोकेशन मॉल रोड से बहुत दूर भी है ना, उन होटल वालों ने भी अपने एड्रेस में ना मॉल रोड डाल रखा है कि मॉल रोड के ऊपर ही है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है। बाकी तू बता भाई आशीष। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आया, जैसे कि जो बंदा मनाली या मंसूरी गया है ना, उसको जगह खास नहीं लगेगी, व्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो बंदा पहली बार है उसको ठीक ठाक लगेगी, लेकिन जो मनाली मंसूरी जा चुका है, जैसे कि हम बहुत बार जा चुके हैं उधर, अपने को उतना मज़ा नहीं आ रहा व्यू देखने में। भाई राजेश बिल्कुल भी नहीं आया भाई, जब ही तो मैंने ज्यादा व्यू दिखाया नहीं। हाँ तो भाई चल रहे हैं भाई, कहाँ था? कुफरी। कुफरी कुफरी देखते हैं, कुफरी में अगर सुनो अच्छी हो मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तू ही बताएगा कुछ? तू नहीं बताएगा? तो भाई मैं चला रहा हूँ अभी गाड़ी, बाद में बताऊंगा। बुराई है दुनिया भर की। नहीं देख अच्छी अच्छा भी है शिमला, लेकिन अच्छे से ज्यादा बुरा लगा हमने तो, जो सच्ची बात है वो आपको बताएंगे। ऑनलाइन होटल बुक मत करना एक तो, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर आओ तो ऑनलाइन होटल बुक मत करना, क्योंकि सब ने अपना एड्रेस ना ऐसी तैसी मार रखी है एड्रेस की, सब ने मॉल रोड पे लिखा पड़ा है कि मॉल रोड पे होटल, और होटल बहुत दूर दूर है। मेन सीन ये है कि अपने तो भाई साहब जज थे यहाँ पे, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, आप आओगे तो आपको दिक्कत रहेगी। चलो चलो कुफरी चल के बात करते हैं भाई। तो यार अब पहुंच चुके हैं कुफरी में, ठीक है। हाँ। यहाँ पे सीन ऐसा है कि एक बार ऊपर की तरफ देख लो, यहाँ लगा रखे हैं सारे घोड़े कच्चर, ठीक है, और घोड़ों का क्या सीन है भाई, यहाँ से 3 किलोमीटर ट्रैकिंग है ऊपर, जहाँ मेन स्नोफॉल है भाई राजेश। ट्रैकिंग में भाई अपने पास ऑप्शन है कि हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने की दिक्कत ये है कि कीचड़ वाला रास्ता है पूरा, बहुत ज्यादा फिसल फुसल गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार दिखा दे कीचड़ कैसा वाला, एक बार इस टाइप का कीचड़ है भाई ऊपर पूरा, ऐसा भाई कीचड़ वाला रास्ता है, तो इसमें तो रिस्क ना ही लेना बढ़िया है। तो यार चल रहे ऊपर बर्फ की तरफ, और रास्ता देखो एक बार, पूरा कीचड़ वाला रास्ता हो रखा है, और ये घोड़े जा रहे हैं भाई लाइन वाइज, अपने चार बंदों के चार घोड़े। भाई साहब नाम क्या मेरे घोड़े का? शक्तिमान नाम है इसका। क्या नाम है तेरे वाले का?
गंगाधर। अपना घोड़ा और सबसे लास्ट में था, और ये देखो भाई, ये जो सबसे आगे थे ना इनके घोड़े, ये सबसे लास्ट में हो गए हैं, क्योंकि अपने वाले का नाम है शक्तिमान। तो अबे ओए आगे से, ओए आगे से टांग घुमा, आगे से दोनों टांग एक तरफ कर ले। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। तो यार ये देख लो, यहाँ से ना फागू वैली स्टार्ट है, और यहाँ पे ना भाई पहले इन भाई साहब से कटवानी पड़ेगी पर्ची, दस दस रुपए की। क्यों कटवाते हो पहले हमें ये बताओ, वो वैली भाई वो तो सबकी है ना, पंचायत भाई सही पैसे कमा रही है, पहले भी 10 रुपए ले लिए, यहाँ भी 10 रुपए ले लिए। चलो कोई नहीं, नाम बता दो आप। नरेश शर्मा। हाय कर दो एक बार, जोर से बोलो हाय, बोल लव यू एवरीवन। एक बात बता दूं, यहाँ पर पूरी मार्केट है यहाँ से वहां तक, और यार अभी हम भी थक गए हैं तो थोड़ा खाने के लिए आए हैं, तो अभी तो हमने बर्गर लिया है इन भैया से, तो बर्गर देखते हैं कैसे हैं, अगर बर्गर बढ़िया होंगे। कैसे भैया बर्गर बता दो? बर्गर 30 रुपए। तो भाई बर्गर खाते हैं फिर देखते हैं, कुछ और अच्छा लगे तो और कुछ खाएंगे। तो यार आ चुका है हमारा बर्गर, बर्गर जैसी शक्ल हो रही है सबकी, इतनी भूख लग रही है कि बस खा जाइए। देख ये चालू भी हो गया ये तो, वाह स्लो मोशन में एकदम मुंह बंद करके खा रहा, अब तो जैसी वीडियो चालू कर दी। तो भाई आशीष इधर आ जल्दी आ, अभी अभी इससे पहले हमने वहाँ पे क्या क्लिप शूट करी थी भाई, हमने कहा बर्फ नहीं मिल रही भाई, बर्फ ने बताया हमें बर्फ बर्फ मिल गई। थोड़ी देर पहले वाली क्लिप में ना भाई हमने इतनी बुराइयां करी कि यहाँ मत आना, यहाँ पे बर्फ नहीं मिली, और अब देखो बर्फ, एक नंबर। अब थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे आना, अब लग रहा है। सौरभ इधर देख ले, अब लग रहा है ना, यस लग रहा है। बताएगा डिसअपॉइंट हो गए जब स्टार्टिंग में, ठीक है उसके बाद ना, वैसे रोहतांग पास जैसी बर्फ नहीं है ये, बट लेकिन जब डिसअपॉइंट हो जाए ना बंदा, उसके बाद उसको कुछ भी मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, वही सीन हमारे साथ हुआ है। बहुत तेज भूख लगी और कुछ भी खाने को मिल जाए भाई बंदा खा लेता, वही वाला सीन था अभी, लेकिन भाई बहुत कुछ से ज्यादा मिला था भाई राजेश, बहुत कुछ से ज्यादा और खतरा भी है, और नीचे खाई है पूरी। तो भाई हम तो स्लाइड कर नहीं सकते, तो ये बच्चा कर रहा है, इसने ड्रेस ले रखी है, तो भाई हो जा चालू। ये जा रहा भाई ये। भाई ये डेंजर वाली जगह, आगे खाई है पूरी। तो भाई ये पूरी फैमिली जा रही है लाइन वाइज, बस आगे रुक जाना भाई, नहीं तंदा। तो भाई बहुत देर होगी खेलते हुए बर्फों में, अब जा रहे हैं यार, ठंड भी लग रही है थोड़ी, हमने कपड़े भी नहीं लिए ठंड वाले, बर्फ एक नंबर की है। तो चलो भाई खत्म करते हैं वीडियो को, तो बाय 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 बाय।